हेलो दोस्तों, दिल की गहराई से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप लोग अपने कीमती वक्त निकाल कर आते हैं वीडियो देखने के लिए। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन है मैं आप लोगों तक भेज पाऊँगा। देखो, अगर हम जनरली किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और वो मान लेते हैं कि 50% तक क्रैश हो जाता है, 80% तक क्रैश हो जाता है, तो आप लोग क्या करोगे? बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है भाई, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोगों को ऐसा फील होने लगता है कि भाई हमारा तो सारा पैसा खत्म हो गया है कि नहीं, सब कुछ बर्बाद हो गया। ज़्यादातर लोगों को ऐसे ही लगता है और फिर वो अपना बोरिया बिस्तर बांधते हैं और स्टॉक मार्केट से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत बुरी चीज़ है, ये वो ऐसा वैसा। तो देखो, मैं आपको बोलूँगा, किसी चीज़ का नशा मत करो। नशा का मतलब कोई भी चीज़ इतना मत करो जो बेकाबू हो जाए, ठीक है? हवा भी अच्छी चीज़ होती है, पानी भी अच्छी चीज़ होती है, लेकिन भाई आप खाना कभी मत खाओ जीवन में, केवल पानी पीते जाओ, सुबह शाम दोपहर केवल पानी पीते जाओ, तो वो भी बहुत ख़राब है बॉडी के लिए, ठीक है? तो मैं आपको बोलूँगा कि ये टेंशन वाली बात तो ज़रूर है, लेकिन लेकिन अगर कोई स्टॉक 60% गिरता है या 80% गिरता है, टेंशन वाली बात है, बिल्कुल है, लेकिन लेकिन क्या आपको अपने आप पे भरोसा है? आपने किसी के कहने से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है, या किसी के कहने पे ये स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, या किसी के कहने से आप चल रहे हो, तो पक्का आप गए काम से। याद रखो कि सामने वाला इंसान आपको नॉलेज दे सकता है, सामने वाला इंसान आपको भर भर के ज्ञान दे सकता है भाई, लेकिन जब आप पानी में कूदोगे ना, तो तैरने के लिए जो जिगरा चाहिए होता ना भाई, वो आपको खुद ही अंदर से लाना चाहिए, वो खुद ही एक इंसान लाता है। जब एक इंसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, तो कितना भी मोटिवेट कर दो भाई, मोटिवेशन काम नहीं देता। तब उसकी इनर मतलब इनबिल्ट जो ताकत होती है ना, वो काम देता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, बताया जा रहा मल्टी बैगर स्टॉक्स है, ये मल्टी बैगर स्टॉक है, जहाँ पर एक केवल गरीब आदमी ने केवल 10,000 रुपये अगर आपने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया होता, तो 8 लाख रुपए के मालिक होते 10 साल में। अब 10,000 की कीमत क्या होती है भाई? 10,000 की कीमत क्या होती है? कुछ नहीं। स्टॉक मार्केट में मुझे लगता है कि लोग 10,000 से ज़्यादा लॉस कर देते हैं, ज़्यादा। लेकिन अगर आपने केवल छोटे स्टॉक्स में 10,000 रुपये डाल दिया, तो आप देखो कितने बड़े मालिक। आज के रेट में आंख जो 8 लाख रुपीज़ है, वो वर्थ है कि नहीं है? बहुत ज़्यादा वर्थ है भाई। 8 लाख रुपीज़ से गरीब लोग अपने घर में बहुत खुशहाली ला सकते हैं भाई, अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बच्चों के अच्छे जगह में शादी कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, फ्यूचर प्रोटेक्शन के लिए बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं भाई, केवल 8 लाख रुपये में। लेकिन गरीब आदमी के लिए 10,000 क्या बहुत बड़ा है? नहीं 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 उतना भी बड़ा नहीं है जितना हम सोच रहे हैं भाई। एक गरीब आदमी भी एवरेज अगर आप देखोगे तो 15,000 रुपये मंथली सैलरी कोई भी काम करके कमा सकता है, लेकिन क्या 8 लाख रुपए जमा कर सकता है? बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट हम बोल सकते हैं। अब ये जो कंपनी ने इतना बना कर दिखाया है, चलिए देखते हैं उसके बारे में, स्टडी करते हैं। उस कंपनी का नाम बताया जा रहा है यूनो मिंडा, बाकी आप कुछ मत देखो, ये सारी चीजें ना आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लिखा जाता है। यूनो मिंडा, केवल कंपनी का नाम देख लो तो ये है वो कंपनी। आइए स्टडी करते हैं। कंपनी 2007 में आई थी, 6 रुपये में आई थी, कंपनी ठीक ठाक चल रही थी। यहाँ पर देख लीजिए, 50-60% तक का रिटर्न दिया था, लेकिन पहले कंपनी ने कितना 26% का लॉस दिया है। ध्यान से अगर आप देखिएगा तो और बड़ा लॉस दिया है कंपनी ने, ठीक है? अब कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट दिया, तो उसके बाद क्या हुआ, धड़ाक से कंपनी में गिरावट हुआ, और जो कि 60-70% से भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल गया। देख लीजिए, बहुत तगड़ा गिरावट देखने को मिला, और इस गिरावट के बाद फिर स्टॉक चलता भी नहीं था। फिर से एक बार गिरावट देखने को मिला, बहुत भयंकर फिर से गिरावट देखने को मिला, देख सकते हो 50% से भी ज़्यादा, फिर से ये तीसरी बार गिरावट देखने को मिला। अब फिर लोग बोलते हैं, सर पेनी स्टॉक्स तो फालतू होते हैं, ये गिरते ही रहते हैं, ये मतलब गंदे होते ही हैं, ये हर बार गिरते रहते हैं, पेनी स्टॉक आपको कभी प्रॉफिट नहीं दे सकते, लोगों को ऐसा लगता है। तो ये कब तक ये सिलसिला चलता रहा भाई, ये कब तक ये सिलसिला चलता रहा? तो ये जो है चलता रहा, यहाँ पर अगर आप देखते हैं 2007 से 2014 तक, मतलब समझो कि 6 से 7 साल तक इसने कुछ भी रिटर्न निकाल के नहीं दिया, 6 से 7 साल तक, ठीक है? 2007 से 2014 तक इसने कुछ रिटर्न निकाल के दिया क्या? कुछ भी नहीं। लेकिन उसके बाद जब ये स्टॉक चलना स्टार्ट किया, तो भाई लोगों को करोड़पति बनाकर छोड़ा। छोड़ा कि नहीं छोड़ा, आप बताइए, लोगों को करोड़पति बनाकर छोड़ा कि नहीं? 10,000% का रिटर्न अगर आप देखोगे तो 15,000% का रिटर्न इसने यूं ही निकाल के दे दिया। यहाँ पर देखो 17,000% का रिटर्न, 18-19,000% का रिटर्न इसने निकाल के दे दिया। और अभी भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये स्टॉक जो है ऑल टाइम हाई पे जा रहा है। केवल 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, जब तक आपके अंदर सहन शक्ति नहीं है, बेयरिंग पावर अगर आपके पास नहीं है ना, आप किसी चीज़ों को बेयर नहीं कर सकते ना, समझ लो ना, अगर आप पसीना नहीं बहा सकते तो याद रखिएगा कि भाई अब फ्यूचर में आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, क्योंकि हर काम एसी के अंदर बैठ के नहीं किया जा सकता।
आप लोग बताइए इस देखने के बाद क्या छोटे स्टॉक अच्छे होते हैं या ख़राब। लोगों के पास 1 लाख रुपया होता है, वो क्या करते हैं, सारा पैसा पेनी स्टॉक्स में लगा देते हैं, डूब जाते हैं। अरे भाई, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप रिसर्च करो, किसी चीज़ को खरीदने से पहले रिसर्च करो। मैं देखता हूँ जब वेजिटेबल खरीदने जाते हैं लोग, तो उसको ना चेक करते हैं, बार बार चेक करते हैं, भाई ये सही है, ये गलत है, ये भाई ये सड़ा हुआ है, ये तो फ्रेश लाओ, फिर ये अच्छा नहीं लग रहा, वो खरीदेंगे, उसके पास से जाके खरीदेंगे। बहुत नखड़े होते हैं, 20 रुपये के वेजिटेबल ख़रीदने के लिए लोग बहुत नखड़ा करते हैं, बहुत। अरे भाई वो वेजिटेबल वाला अच्छा नहीं है, उसके पास फ्रेश मिलता है, वहाँ से लाएंगे। अरे भाई, 20 रुपये के वेजिटेबल के लिए इतना दिमाग लगा रहे हो भाई? आज के डेट में अगर मान लेते हैं 20 रुपये का वेजिटेबल अगर आप खरीद भी लेते हो सही दाम से, आपने मान लेते हैं वेजिटेबल वाले को ठग दिया और आपने अच्छे खासे ले लिया, लेकिन उससे होगा क्या? आज खा के क्या आप अमर बन जाओगे? नहीं। लेकिन अगर 10,000 रुपीज़ इतना दिमाग लगा के जितना सब्जी खरीदने में दिमाग लगा रहे हो, उतना दिमाग अगर आप केवल केवल एक स्टॉक को रिसर्च करने में लगाते हो और केवल थोड़ा सा ही पैसा डाल देते हो, तो पता है आपके साथ साथ आपकी एक पीढ़ी की ज़िंदगी ना बदल जाएगी। समझ रहे हो ना? दिमाग लोग 10 रुपये बचाने में लगाते हैं, ना कि 10 लाख बचाने में लगाते हैं। मैं वेजिटेबल खरीदने जाता हूँ या कोई भी सामान खरीदने जाता हूँ ना, तो अगर बोलता है भाई, वो बोलता है 40 रुपीज़, मैं बोलता हूँ भाई 50 रख ले, कोई दिक्कत नहीं, चल ठीक है, तू भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, इससे क्या होने वाला है? 10-20-50 से कुछ नहीं बदलने वाला, ठीक है। मैं 10-20 रुपये में बजट में है। देखो, मैं पैसे बचाने में बिलीव नहीं करता। मैं पैसे बचाने को, मतलब मैं समझता हूँ कि पैसे का मैंने इंसल्ट किया, समझ रहे हो ना? पैसे को भगवान भी मानते हैं, लक्ष्मी जी, तो मैं सोचता हूँ कि अगर पैसे मैंने बचाया तो मैंने समझो कि भगवान का मैंने इंसल्ट किया, मुझे ऐसा फील होता। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बचाया नहीं जा सकता। अगर आप पैसे बचा रहे हो तो उससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन आपका पैसा खा जाएगा। मतलब कि भाई, हमने सोचा हम बचा रहे, लेकिन वो पैसा एक्चुअल में कोई और खा गया, समझ लो। तो क्या फ़ायदा बचाने से? तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करने में, ये मैं मानता हूँ कि इन्वेस्ट करना सही रहता। इन्वेस्ट करने से वैल्यू क्रिएट होता है, पैसे की कीमत बढ़ती है। और जब याद रखो कि जिस चीज़ की आप रिस्पेक्ट कर रहे हो उसकी कीमत बढ़ा रहे हो, तो भाई उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है आपके लिए, समझ रहे हो ना? तो मैं 10-20 रुपये बचाने में ये नहीं करता, बिलीव नहीं करता। मैं लाखों बचाने में बिलीव करता हूँ और लाखों बढ़ाने में बिलीव करता हूँ, ठीक है। और उसी तरीके से कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। तो ये ऑटो कंपोनेंट वगैरह कंपनी जो है बनाती है, और बड़े बड़े लोगों ने आज के डेट में कंपनी खरीदा है। 32,000 करोड़ का मार्केट कैप बन चुका है कंपनी का, और इसका बुक वैल्यू देखो तो 62 का है। आज के रेट में भी कंपनी बहुत अच्छी है, 0.22% का आपको डिविडेंड देता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी सही है। आइए हम प्रमोटर्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं थोड़ी बहुत। प्रमोटर्स के पास 70% से ज़्यादा हिस्सेदारी है यहाँ पर, जो कि बहुत अच्छी हिस्सेदारी मानी जाती है। कंपनी के पास 1,090 करोड़ का डेट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चलता है भाई, 1,000 करोड़ का डेट चलता है। कंपनी के पास 3,600 करोड़ का, तो मतलब समझो रिजर्व है, ये फंडामेंटली मैं आपको बता रहा हूँ, और 1,000 करोड़ का डेट है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इतना चले। कैश फ्लो की बात करते हैं तो कंपनी के पास अभी कैश नहीं है, लेकिन हाँ, पहले कंपनी के पास कैश था, 100 करोड़ के बाजू में कैश था। बाकी अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आपका डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाकर अपने डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में।